बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ैगम मिन्हास और आप इस वक्त जुड़े हैं ज़ैगम वॉइस चैनल के साथ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मसनद खिलाफत संभाली तो ये इतला मिली कि लोग उनकी सख्ती से खौफजदा हैं, तो उन्होंने लोगों को जमा करके एक तकरीर की जिसमें हमदो सना के बाद फरमाया कि मुझे ये इत्तला मिली है कि लोग मेरी सख्ती से खौफ ज़दा हैं और मेरी सख्त तबीयत से डरते हैं। लोगों का ये कहना था कि उमर रज़ी अल्लाहु अन्हो इस वक्त भी हम पर सख्ती करता था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद थे, और उस वक्त भी सख्ती करता था जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हो हमारे खलीफा थे। अब तो तमाम अख्तियारात उमर के पास चले गए, अब ना जाने उनकी सख्ती का क्या हाल होगा। तो सुन लो, जिसने ये बात की उसने सच कहा है। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादम रहा, यहाँ तक के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहम्दिल्लाह मुझसे राजी होकर दुनिया से तशरीफ ले गए, और इस मामले में मैं तमाम लोगों से ज्यादा खुशकिस्मत हूँ। फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत संभाली तो मैं उनका खादम और मददगार रहा। मैं अपनी सख्ती को उनकी नरमी के साथ मिलाए रखता था और उस वक्त तक नंगी तलवार बना रहता था जब तक वो मुझे नीलाम में न कर दें, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने उन्हें भी इस हाल में उठाया कि बिहम्दिल्लाह वो मुझसे राजी थे और मैं उस मामले में तमाम लोगों से ज्यादा खुशकिस्मत हूँ। अब मुझे तुम्हारे मामलात सौंपे गए हैं, याद रखो अब सख्ती में कई गुना इजाफा हो गया है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती रवा रखें। वो लोग जो दीनदार, रास्तरू और सलीम उल फिक्र हैं, मैं उन पर खुद से ज्यादा नरम हूँ। हाँ, अलबत्ता जो शख्स किसी पर जुल्म करे तो मैं उसे उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक उसका एक रुखसार जमीन से मिलाकर उसके दूसरे रुखसार पर पाँव न रख दूँ और वो हक का ऐलान न कर दे। लोगों, तुम्हारा मुझ पर यह हक है कि मैं तुम्हारी इज्तमाई आमदनी में से एक हब्बा भी ना छुपाऊं, और तुम्हारा मुझ पर यह हक है कि मैं तुम्हें हलाकत में न डालूं। और जब तुम मुसलमानों यानी जिहाद के काम की वजह से घर से बाहर हो तो जब तक तुम लौट ना आओ मैं तुम्हारे बच्चों का वाली बना रहा हूँ। ये कलमात कहकर मैं अपने और तुम्हारे लिए अल्लाह से मगफरत तलब करता हूँ। सुबहान अल्लाह, ऐसे थे हमारे हुक्मरान जो हुक्मरानी मिलने के बाद इस कदर रब तआला से डरते थे। अल्लाह पाक हमें भी सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो जैसा नेक और आदल हुक्मरान अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। सलाम पहुँचे।